जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। अर्जुन वाचः सन्यासं कर्मणा कृष्ण पुण्ययोगा च संससि यच्छेदं जितरोकं तन्नेद्रि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों साधनों में जो निश्चित रूप से कल्याणकारक है वो उसका मेरे लिए कहिए। कहा संन्यासः कर्मयोगश्च निश्चय शङ्कारः तयोस्तु कर्मसन्यासं कर्मयोग विशेषः। श्री भगवान बोले हे संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। श्रेयं च नित्य संन्यासी जो न दृष्टि कर्यक्षति निर्दम ही महाबाहो सुखं बन्धारमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य ने किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह सदा संन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संख्य योग से और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। संख्या प्राप्ते अस्थानं तदो गैरपि गम्यते एकं सत्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है कर्म योगियों के द्वारा ही वही प्राप्त किया जा रहा है, अतः जो मनुष्य संख्य योग से और कर्म योग को एक देखता है वही ठीक देखता है। संन्यास संस्तु महाबाहो दुःखमस्तु योगतः योगयुक्तो मनु ब्रह्मा नीचे रेवा गच्छति। परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना संन्यास सिद्ध होना कठिन है। मननशील है कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा बीजात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कर्म नवी च लिप्यते। जिसकी इंद्रिया अपने वश में है, जिसका अंतकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही इसकी आत्मा है, ऐसे कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। ब्रह्मण्याधाय कर्मणि संगता च करोति यः लिप्यते न स पापेन परिस्तान्धा। जो संपूर्ण कर्मों को भगवान ने अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मानसा बुद्धिया केवल रेन्द्रेरपि जो बिना कर्म कुर्वन्ति सन्त्वा शुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल इंद्रिया शरीर मन बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। उत्तः फल तो एकता शांति मापनोति निश्चितम आयुक्तम काम कारेण फले सक्तो निबद्धते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नष्टी की शांति को प्राप्त होता है, परंतु उसका काम है मनुष्य कामना के कारण फल में असक्त होकर बंध जाता है। सर्व कर्माणि मानसा संन्यासे स्वमसि न द्वारे पूरे देहि नैव कर्मणा कार्येण। जिसकी इंद्रिया वश में है ऐसा देहधारी पुरुष नौ द्वार वाले शरीर रूपी पूर्व में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक स्थित रहता है। न कर्माणि लोकस्य सुदिति प्रभो न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही व्रत रहा है। चाचा पापम न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेन कृतं ज्ञानं तेन महते जन्तवः।
तद ज्ञानं जेखा नासित मात्मना तेखामादिद्वारं प्रकाश्यते तत्परं। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्भु आत्मा निष्ठा स पारायण गच्छन्तु प्राणिति ज्ञानी धूति कल्पमान। जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अनु रहित को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों कवि हस्तिनी सोनी चैवे पंडिता संदर्शिना। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्तों में समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। ईहैवा तेरिता सर्वो देखा सामने सिद्धमना निर्दोष ही सम ब्रह्मा तस्मा ब्रह्माणि ते सिदा। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। न प्राख्यतम प्रिय प्राप्त चार प्रियम स्थितम बुद्धि सर्वमुद्धो ब्रह्मी ब्रह्माणि स्थिता। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न हो ना हो, वह स्थित बुद्धि वाला मूर्छा रहित तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्मा स्पर्शे सायुक्ता बंदी आत्मना तब सुखम सब ब्रह्म जोग युक्ता सुखम सुखम छेया मासते। ब्रह्मा स्पर्श में आसक्ति रहित अंतःकरण करने वाला साधक आत्मा में जो सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। यही स्पर्श सर्जा भोगा दुख जो नवते अध्यापन सुधम। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने भोग हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कल्याण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। सक्रोते हैवाया सोधु प्रकाश शरीर मोक्षनाम काम क्रोध भवा वेगम सयुक्तम स सुखी नरा। इस मनुष्य शरीर में जो कोई शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर जोगी है और वही सुखी है। जो बंतो सुखो वा अंतर आत्मा सा जो ज्योतिरेवा रोज रेवाया संजोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो सकक्षरी। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला है और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला सख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। लाभन्ते ब्रह्म निर्वाण मुखिया छिन्न कल्पना छिन्न दैवा यदा आत्मा सर्वभूता हृदय रमाकृता। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित बस में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण कल्प दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेक की साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोधी वीयुक्ता जातीनां च चित्सं अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते इति आत्मानां। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सख्य योगियों की से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। भूतारं जगत तपसं सर्वलोक महेश्वरं सर्वहृदं सर्वभूतानां ज्ञातारा शांति निश्चरे। भक्त मुझे सब जगों और तपों का भोक्ता संपूर्ण लोगों का
समर्पण हुआ जय श्री राधे जय श्री कृष्ण।